तो देखिए दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मेरी रोल पट्टी शीट ख़त्म हो गई है। तो आज मेरे यहाँ मेहमान लोग भी आने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं रोल पट्टी शीट बना ले रही हूँ। तो देखिए, दो बना ली हूँ मैंने और ये तीसरा डाली हूँ। तो ये वाला जो पैन है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती है इस पर, और भी बड़ा बनता है, उतना बड़ा तावा नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए थोड़ी छोटी ही हो रही है, पर फिर भी रोटी से थोड़ा डबल ही है ये। तो ये शीट पहले बना के मैं रखती थी, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। आटा गूंथ के तो मतलब मैं सुबह ही रख दी थी, तो अभी अपना जो काम निपटा करके फिर मैं सबसे पहले इसको रेडी करके फिर इसको थैली में पैक करके अच्छे से रख दूँगी, तो छुट्टी हो जाएगा एक हफ्ते तक का। क्योंकि रोज़ नहीं, बस मैं दो या तीन ही बनाती हूँ रोज़ डेली के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं सब खाते हैं, कि रोज़ रोज़ एक आइटम ही रहे, मतलब बदल बदल के बनाती हूँ मैं, कभी कुछ और बना लूँगी, कभी कुछ और बना लूँगी। तो देखिए, पता नहीं मतलब कैसे सबका छिटक जाता है, देखिए कितने अच्छी तरीके से, कितने अच्छे से एक हाथ से निकल जा रहा है, और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ी हुई हूँ, और देखिए कितना पतला सा एकदम सॉफ्ट सा ये बन रहा है। मतलब इसको आप कितने भी दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बस जब पकाते समय थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है, क्योंकि ये गर्म रहता है तो इसमें से भाप निकलता है, तो जलने का भी डर रहता है। तो इसलिए एक हाथ से निकाली और कितने अच्छे से देखिए निकलते जा रहा है, एकदम ज़रा सा इसमें चिटका नहीं है, इसमें बस तेल और इसमें जो आटा रहता है वो अच्छे से लगाना है आप सबको, उसके बाद ये अच्छे से ऐसी शीट निकल जाती है एकदम, बाज़ार से लाने से अच्छा घर पर बन जाती है। तो ये मैं समोसा पट्टी भी घर पर ही बनाती थी हमेशा, पर ये साल मैंने समोसा पट्टी बाहर से मंगा ली हूँ, उसको मैंने बिग बास्केट से मंगाई थी ऑनलाइन, वो मैंने दो पट्टी पहले मंगा ली थी, तो ख़त्म हो गया है आधे रमज़ान से, फिर से दो पैकेट मंगा ली मैंने, तो मेरा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा बेटा शूट करने आ गया कि मम्मी का हाथ जल रहा, मैं पकड़ लेता हूँ, ये लास्ट वाली है, तो मेरा बेटा मतलब आवाज़ लगा रहा है, पर मैं उसको कट कर दी, क्योंकि कुछ और भी साउंड आ रहा था पीछे का गाना वगैरह, तो वो शूट कर रहा है, बोला मम्मी जल नहीं रहा है, मम्मी क्या करेंगे, मम्मी इतना सारा रोटी क्यों बना रही है। बच्चे भी ना मतलब सवाल जवाब करते ही रहते हैं, बस उनके सवालों के जवाब दिया करो आप भी बच्चे बन के, और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इनको खोल के नहीं रखना है बनाने के बाद, नहीं तो कड़क हो जाते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से ढक के कपड़े में रख दी हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए, आज है बुधवार और अभी बज रहे हैं शाम के 4, और मैं बनाने जा रही हूँ इफ्तारी, बनाने जा रही मतलब इफ्तार की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आधी तैयारी मेरी हो चुकी है, क्योंकि आज मेरे यहाँ आने वाले हैं मेहमान, और आज मैंने इफ्तारी की दावत ली हूँ अपने जिठाने की, तो इसलिए आज तो पैसे लगी हूँ मैं खाना बनाने के चक्कर में। तो ये देखिए, ये रोल की मतलब जो रोल का अंडा की फीलिंग होती है उसको रेडी कर ली मैंने, थोड़ा सा गर्म इसलिए ठंडा होने के रखी मैंने, और वो अंडे मैंने काट के रखी हूँ, अंडे की पकौड़ी बनाने वाली हूँ मैं, और छोले उबाल ली हूँ, और समोसे भर के रख ली हूँ मैंने, रशियन कबाब बनाए हूँ, चीज़ी रशियन कबाब, और क्या कहते हैं ब्रेड कटलेट जो होता है चीज़ वाला वो बनाए हूँ, तो सब मैंने फ्रिज में रखी हूँ, जब मैं फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, और सब बना हुआ है इसलिए मैं रेसिपी नहीं दी हूँ, क्योंकि कई बार मैं बना चुकी जब से रमजान चालू हुआ है। तो और देखिए, शीट भी मैंने बना के इसको थैली में करके रखी हूँ ताकि कड़क ना हो जाए। और ये देखिए, फ्रूट वगैरह यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, और ये सैलरी बनाई थी मैंने, मैदे का ये घोल बनाई हूँ मैंने छिटकाने के लिए उसको, तो वो, और ये देखिए जो ये गांव से आया है इसको मैंने उबाल के रख दी हूँ, ये मटन है इसको धुल के रखा हुआ है, और सारा घर ऐसे फैला हुआ है अभी अभी तो फ़िलहाल मैं ये रोल को भरूँगी, उसके बाद में मैं दूसरा कोई काम करूँगी, क्योंकि बस यही एक रह गया है, और बाकी सब देखो मैंने फ्रिज में सेट कर दी हूँ। तो बस इसको भर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा, सब कुछ मैंने बना के रख दी हूँ, बस खाली इसको फ्राई करना है। तो ये किचन में इतनी गर्मी हो रही है कि एकदम गर्मी से तो चक्कर आ जाएगा, इस वजह से मैं बाहर चली आई हूँ, यहाँ हॉल में आके बैठी हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है किचन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, दो चार दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है कि जोर की प्यास लग जा रही है। तो सारी तैयारी करके बैठी हूँ मैं आराम से, नुमान मेरा सो रहा है, नंगा पुंगा सोया है, वैसे ही नहला दी थी मैंने उसको, तो जींद हो गया था उसको, ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा था तो सो गया वो, सुबह बहुत जल्दी उठा था सहरी के समय से खेल रहा था वो,
हम लोग के सहरी करने के बाद ही हम लोग के साथ ही मतलब जबरदार होती 5 बजे वो उठ गया था। उठने के बाद कितनी मैंने कोशिश की सुलाने की पर वो नहीं सोया, चाय पिया तो उस बटर खाया, फिर घूमा फिरा, नमकीन खाया, बस इसी में उसका दिन कट गया था। तो अभी तो फिलहाल सो रहा है वो, और आज़ाद मेरा गया है स्कूल, और आज उसका कल उसका ग्राफ का पेपर है, लास्ट पेपर है शायद, उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाएगी। बहुत खुश है वो एकदम। तो देखिए अभी बज रहे हैं 4:20 हो रहे हैं और दिन ही नहीं ख़त्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कब से सुबह हुई है, कितने बड़ा दिन है। 3 बजे का उठी हूँ मैं, अभी तक सोई नहीं हूँ। सुबह पानी आ गया था 7 बजे ही, फिर 7 बजे से ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना ये करना वो करना सारे काम में ही बिजी हो गई। तो 11 बजे तक पूरा काम मेरा ख़त्म हो गया था, फिर थोड़ा मार्केट चली गई थी, फिर मार्केट से आई, फिर हम लोग बाहर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, 3-4 चक्कर लगा आज हम लोग का बाहर। और नुमान का एडमिशन के लिए गई थी मैं, उसके बाद थोड़ा कुछ घर के जो सामान रहते वो लाने के लिए गई थी, फिर चिकन मटन ये सब लाने के लिए गए थे। तो बाइक से नहीं गई थी मैं, गाड़ी से गई थी, तो उतना धूप नहीं लग रहा था, पर एसी में से बैठ के बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। पर फिर भी तभी से चक्कर जैसा आ रहा है, 3-4 दफ़ा मार्केट में जाना पड़ा है, तो एकदम गला सूख गया है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ मैं, उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी, उसके बाद कुछ बनाऊँगी, कुछ क्या सब फ्राई करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए इफ्तारी का टाइम हो गया है, मतलब 5 मिनट बाकी, अभी कोई आया नहीं है, तो मैं दस्तरखान लगा दी, क्योंकि कोई मेहमान लोग आ जाते हैं फिर बहुत घाई घाई सी होती है, तो मैंने 5 मिनट पहले दस्तरखान बिछा दी हूँ। तो नीचे देख रही हूँ मैं, उन लोग भी आ ही गए हैं, तो फटाफट से अब रेडी हो जा रहे सब सामान। तो देखिए सब जन बैठे हैं, सब दुआ वगैरह पढ़ रहे हैं और सब जन आ चुके हैं, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। तो इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि जब कोई आता है घर पे तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि ब्लॉग शूट करो सामने। तो बैठ के लोग बागा फिड़का के नमाज़ वमाज़ पढ़े, उसके बाद रात हो गई थी, खाना खा के लोग चले गए हैं। तो ये देखिए अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और सब जन खाना वाना खा करके चले गए हैं, और हम लोग ने भी खाना खा लिए हैं। और सब जाने के बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, गर्मी से मुझे बहुत उलझनसी होती है, मुझे चक्कर सा लगने लगता है। तो सबसे पहले मैंने नहाई हूँ ठंडे ठंडे पानी से, नहाने के बाद अभी थोड़ा सा राहत लग रहा है मुझे। तो अभी अभी तो सोएंगे नहीं फिलहाल, क्योंकि बच्चे लोग जाग रहे हैं, तो ऐसे ही जा रहे लेटने के लिए। और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो फिर उतना टाइम नहीं रहता है और मेरा ध्यान भी नहीं जाता है उतना, कि मतलब कुछ शूट करना है भूल जाती हूँ बार बार। तो जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। और बस छोटा सा एक ब्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो किसी को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। और देखते काफ़ी लोग हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बस तो देखिए टाइम ज़्यादा हो गया है, रात हो गई है काफ़ी, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, दुआ में याद रखना।